बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि अंश पत्र क्या है अंश पूंजी क्या है कब कंपनी को इसकी जरूरत होती है किस तरह से वो अपनी अंश पूंजी जनता से निमंत्रित करती है आमंत्रित करती है और किस प्रकार वो अपनी पूंजी को प्राप्त करती है हमने देखा कि अंश पूंजी जो होती है वो अधिकृत होती है यानी कि एक निश्चित संख्या दे दी जाती है और उससे अधिक के जो अंश होते हैं वो जनता के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाना संभव नहीं हो पाता है अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण कंपनी को अगर भविष्य में उस अधिकृत पूंजी से ज़्यादा की राशि की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करें यहाँ पर कंपनी ऋण पत्रों का सहारा लेती है क्योंकि अधिकृत पूंजी एक बार अगर पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम में रजिस्टर्ड हो जाए तो वो अपनी एक सीमा एक लिमिट को बताती है कि उससे ज़्यादा के अंश तो कंपनी इश्यू नहीं कर सकती अब ऐसी कंडीशन में कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो निर्गमित करेगी ऋण पत्र तो आज हम जानेंगे कि ऋण पत्र यानी कि डबेंचर क्या है अब यहाँ पर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है डबेंचर यानी कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण का एक ऐसा प्रमाण है जो ये प्रदर्शित करता है कि कंपनी ने कब किस से और किस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया है जब हम ऋण पत्रों की बात करते हैं तो जिस तरह हमने पूर्वाधिकार अंश में देखा था कि छः प्रतिशत पूर्वाधिकार अंश पाँच प्रतिशत पूर्वाधिकार अंश यानी कि उन पूर्वाधिकार अंशों के साथ उनकी ब्याज या लाभांश की राशि का जो दर था वो जुड़ा हुआ रहता था ठीक उसी तरह ऋण पत्रों पर भी किस दर से ब्याज दिया जाएगा ये पूर्व निश्चित होता है तो ऋण पत्र वास्तव में एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है अब अगर हम बात करें कि ऋण पत्र क्या है क्यों इनका प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे विद्वानों ने ऋण पत्रों के विषय में अपनी अलग अलग राय व्यक्त की है आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का हम करें जस्टिस चेपे के अनुसार ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज एवं पूंजी की वापसी की शर्तें होती हैं एवं जो ऋण निर्माण अथवा स्वीकार करता है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी और कई प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं चाहे उनसे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है या नहीं न्यायाधीश चिली के शब्दों में ऋण पत्र वह प्रलेख है जो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है आपने देखा कि किस प्रकार बहुत से विद्वानों ने ऋण पत्र के विषय में अपने अपने अलग अलग मत अभिव्यक्त किए हैं अब अगर इन्हीं परिभाषाओं इन्हीं अर्थ के आधार पर हम ऋण पत्र की विशेषताओं को जानना चाहें तो इसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार अलग अलग कर सकते हैं तो आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर ऋण पत्र की विशेषताओं पर एक नजर डालें सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह लिखित प्रमाण है यानी लिख कर दिया जाता है कि कंपनी ने किससे ऋण लिया है कितना ऋण लिया है किस समय ऋण लिया है और किस प्रतिशत के आधार पर ऋण लिया है आ, दूसरा कि इस पर कंपनी की सार्व मुद्रा अंकित होती है जैसे कि हमने अंशों के संबंध में देखा आ, जब हमने जाना कि कंपनी पार्षद सीमा नियम क्या है कंपनी अंतर नियम क्या है तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है तो यहाँ पर भी ऋण पत्रों के संबंध में ही वही सार्वमुद्रा कार्य करती है और प्रत्येक ऋण पत्र पर एक सार्वमुद्रा अंकित होती है तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें ब्याज की जो दर है वो पूर्व निर्धारित होती है यानी कि किस प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा कंपनी का जो लाभ है उस पर ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है इसी तरह प्रतिभूति का उल्लेख रहता है एक्चुअली जब हम ऋण पत्रों को निर्गमित करते हैं तो वो किसी न किसी प्रतिभूति के आधार पर एक गारंटी के आधार पर दिए जाते हैं तो किस प्रकार की प्रतिभूतियाँ वहाँ पर रखी गई हैं प्रतिभूतियाँ दी गई हैं इसका उल्लेख किया जाता है Uh, साथ में uh, दीर्घ uh, एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यही है कि ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है काफ़ी लंबे समय के लिए वो ऋण लिया जाता है ऋण पत्रों के आधार पर uh, ठीक ऐसे ही कंपनी के समापन की दशा में uh, भुगतान की जो प्राथमिकता है वो ऋण पत्रों को होती है जब भी कंपनी uh, समाप्त होती है तो सबसे पहले ऋण पत्रधारी जो है उनको uh, राशि का भुगतान किया जाता है अब हम बात करें इनके निर्गमन की दशाओं की तो जिस तरह से अंशों का निर्गमन होता था बिल्कुल वैसा ही इनका भी निर्गमन तीन दशाओं में होगा कौन कौन सी वो तीन दशाएं होंगी एक तो समूल्य पर इसका निर्गमन किया जाएगा बट्टे पर निर्गमन किया जाएगा और तीसरा प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा ऋण पत्रों से कंपनी को जो मिलने वाला लाभ है वो कौन कौन सा हो सकता है आई पर एक नज़र डालें तो आ, आवश्यक राशि प्राप्त हो जाती है यानी कि अंश पूंजी जो है वो तो सीमित होती है अधिकृत होती है तो एक्सेस अमाउंट की अगर जरूरत पड़ती है कंपनी को तो वो ऋण पत्र से प्राप्त हो जाती है दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि प्रबंध में हस्तक्षेप ये नहीं कर सकती अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के एक सदस्य के रूप में होते हैं वो कंपनी के सभा में कंपनी के मीटिंग में उनको भाग लेने का अधिकार होता है कई बार वो प्रबंधक के रूप में भी काम करते हैं लेकिन ऋण पत्रधारियों के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है ऋण पत्रधारी सिर्फ कंपनी को ऋण देते हैं कंपनी के किसी भी कार्य में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है वैसे ही अगर ब्याज दर की हम बात करें तो इनकी जो ब्याज दर होती है पूर्व निश्चित होती है यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थायी ब्याज दर पर ये कार्य करते हैं तीस अगला हम इसमें देखते हैं कि अंशधारियों से जो लाभांश की अगर हम बात करें तो अंशधारियों को अधिक लाभांश प्राप्त होता है जबकि ऋण पत्रधारियों का जो होता है फिक्स होता है अंशधारियों को कई बार क्या होता है कि कंपनी में लाभ ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कम हुआ तो कम तो इस प्रकार से फ्लैक्चुएट होता रहता है वैसे ही राशि वापसी की जो सुविधा है ऋण पत्रधारियों को कंपनी के समापन के कंडीशन में पहले कर दी जाती है अब अगर हम बात करें ऋण पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य की तो जैसे कि हमने देखा कि अंश जब निर्गमित नहीं किए जा सकते उनकी अधिकृत जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में कंपनी की पूंजी की आवश्यकता को ऋण पत्र पूरा करते हैं एक महत्वपूर्ण तो बात यह है कि आ, कंपनी का एक विकास भी इनके द्वारा होता है अधिकृत पूंजी की लिमिट जहां समाप्त हो जाती है वहां पर कंपनी का जो कार्य होता है वो रुक मत जाए इसलिए वो अपने ऋण पत्रों को इशू कर सकती है बात करें अगर हम इनके प्रकार की तो आइए देखते हैं कि, कि किस किस प्रकार के ऋण पत्र होते हैं इस पर एक नजर डालें ऋण पत्रों के प्रकार ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को इस चार्ट की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है ऋण पत्रों का वर्गीकरण अभिलेख के आधार पर सुरक्षा के आधार पर अवधि के आधार पर शोधन के आधार पर और दर के आधार पर किया जाता है यहां हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ऋण पत्र का विभाजन किया है अभिलेख के आधार पर अभिलेख के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है रजिस्टर्ड ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र दूसरा वर्गीकरण है सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है पहला सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा असुरक्षित ऋण पत्र तीसरा आधार हम यहाँ पर देख रहे हैं अवधि के आधार पर इस इसे भी दो भागों में बांटा गया है शोध्य ऋण पत्र और अशोध्य ऋण पत्र चौथा वर्गीकरण है भुगतान के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र और उसके बाद है कूपन के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है शून्य कूपन दर और विशिष्ट कूपन दर अब ऋण पत्रों के इन प्रकार को अगर हम विस्तार में जानें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है अभिलेख के आधार पर अभिलेख के आधार पर जो ऋण पत्र है उनको दो भागों में बांटा गया है एक है रजिस्टर्ड और दूसरा है वाहक ऋण पत्र रजिस्टर्ड ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी के जो पंजीकृत दस्तावेज होते हैं जैसे कंपनी अधिनियम पार्षद सीमा नियम कंपनी अंतर्नियम उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि इनको बिना प्रावधानों के कहीं दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हस्तांतरित नहीं किया जाता जबकि वाहक ऋण पत्र जो होते हैं वो इससे इसलिए भिन्न होते हैं कि उनका जो स्थानांतरण होता है उनका हस्तांतरण जो होता है वो केवल सुपुर्दगी मात्र से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो उनका हस्तांतरण मान लिया जाता है दूसरा वर्गीकरण जो है वो सुरक्षा के आधार पर है सुरक्षा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है सुरक्षित और असुरक्षित सुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनके बदले में कोई प्रतिभूति कोई गारंटी दी जाती है असुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनमें गारंटी नहीं दी जाती है तो बात करें अगर हम सुरक्षित ऋण पत्रों की तो यहाँ पर कोई ना कोई संपत्ति ऋण पत्र के साथ साथ बंधक होती है अगर कंपनी वो ऋण नहीं चुका पाई तो कंपनी ने अपनी जो संपत्ति बंधक रखी हुई है आ, उसको जो भी ऋण देने वाला व्यक्ति होता है वो अपना उसमें अधिकार स्थापित कर सकता है अवधि के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है एक तो शोध्य और दूसरा अशोध्य शोध्य ऋण पत्र यानी कि जिनका भुगतान एक निश्चित तिथि के अंदर किया जा सकता है किया जाता है कंपनी के समापन के पहले कर दिया जाता है वो शोध्य ऋण पत्र है अशुध ऋण पत्र यानी कि जिनका भुगतान जो होता है वो कंपनी के समापन के बाद ही किया जा सकता है तो वो जो ऋण पत्र होते हैं वो अशोध ऋण पत्र कहलाते हैं ऋण पत्रों के वर्गीकरण का जो अगला आधार है वो है कूपन के आधार पर वर्गीकरण कूपन के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो दो भागों में बटा होता है एक शून्य कूपन दर वाले और दूसरा विशिष्ट कूपन दर वाले तो जब हम बात करते हैं शून्य कूपन दर वाले ऋणपत्रों की तो ये ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिन पर किसी विशेष दर से ब्याज नहीं लगता है यानी कि कहा जाए तो ये प्रायः ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिनका निर्गमन बट्टे पर किया जाता है दूसरा जब हम बात करते हैं विशिष्ट कूपन दर वाले तो इनमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि विशेष दर से ब्याज आरोपित किया जाता है दूसरा अगला जो वर्गीकरण है वो है भुगतान के आधार पर तो भुगतान के आधार पर जो ऋण पत्र होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं एक परिवर्तनशील ऋण पत्र और दूसरा अपरिवर्तनशील ऋण पत्र परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिनको हम भविष्य में आगे चलकर अंश पत्र या दूसरे अन्य ऋण पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन अपरिवर्तनशील जो ऋण पत्र होते हैं वो अपरिवर्तनी होते हैं किसी भी स्थिति में इनके प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो ये तो था भुगतान के आधार पर अब बात जब हम परिवर्तनशील ऋण पत्रों की करते हैं तो इसका जो चलन है अगर हम देखें तो मार्केट में अब बढ़ता जा रहा है लोगों की मांग के अनुरूप बाजार की मांग के अनुरूप और मेन इसका जो एक उद्देश्य है वो ये होता है कि स्थायी पूंजी में वृद्धि करते हैं इसलिए इनकी मांग ज्यादा है अगली जो हम बात करें वो ये है कि अंश पत्र और ऋण पत्रों में अंतर क्या है जब हम इसके मीनिंग देखते हैं तो कुछ डिफरेंस हमको पता चलता है लेकिन जब इसके निर्गमन की हम बात करते हैं तो लगभग वो सारा प्रोसेस यहां पे हम फॉलो करते हैं जो कि अंश पत्रों के निर्गमन का था तो लगभग दोनों एक से ही लगते हैं लेकिन फिर भी इनमें अंतर है काफी अंतर है आइए देखते हैं अंश पत्र और ऋण पत्र में क्या अंतर है अंश एवं ऋण पत्रों में अंतर प्रतिफल के आधार पर अंश पत्र के अंतर्गत अंशधारी लाभांश पाने का अधिकारी होता है जबकि ऋण पत्रधारी को केवल ब्याज प्राप्त होता है और ऋण पत्रधारी कंपनी का, का लेनदार होता है तीसरा प्रबंध में भाग लेने के आधार पर अंशधारी कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकता है जबकि ऋण पत्रधारी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है चौथा हानि होने के आधार पर अंशधारी को हानि होने पर लाभांश नहीं मिलता जबकि ऋण पत्र धारे को हानि होने पर ब्याज अवश्य मिलता है पांचवा पूंजी या ऋण के आधार पर कंपनी को अंशों से प्राप्त राशि पूंजी कहलाती है जबकि कंपनी को ऋण पत्रों से प्राप्त राशि ऋण कहलाती है छठवा राशि की वापसी के आधार पर पूंजी समापन के अवसर पर ही वापस की जा सकती है जबकि ऋण पत्र को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के बाद वापस किया जाता है सातवा समापन पर वापसी कंपनी के समापन पर इनका रुपया ऋण पत्रों का भुगतान अंश पत्र की दशा में कंपनी के समापन पर इनका रुपया ऋण पत्र का भुगतान होने के बाद लौटाया जाता है इनको धनराशि पूरी या आंशिक या कई बार नहीं भी मिलती जबकि कंपनी के समापन ऋण पत्र धारियों को अंशधारियों को भुगतान करने के पूर्व लौटाया जाता है तो हमने देखा कि अंश पत्र और ऋण पत्र एक दूसरे से भिन्न है अलग है जिस तरह अंश पत्र अंश पत्र को जो धारण करते हैं जो खरीदते हैं वो अंश पत्रधारी कहलाते हैं ठीक उसी तरह ऋण पत्र जो धारण करते हैं जो खरीदते हैं यानी कि कुल मिलाकर जो कंपनी को ऋण देते हैं वो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं तो जिस तरह से अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर है ठीक उसी तरह अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में भी अंतर है तो आइए देखते हैं अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है अंशधारियों तथा ऋण पत्रधारियों में अंतर हैसियत के आधार पर अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या साहुकार होते हैं विनियोग का प्रतिफल के आधार पर अंशधारियों को विनियोग पर लाभांश प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है जबकि ऋण पत्र धारियों को विनियोग पूर्व निश्चित दर पर ब्याज से प्राप्त होता है सुरक्षा के आधार पर अंशधारी असुरक्षित होते हैं क्योंकि अंशों को किसी संपत्ति की जमानत पर जारी नहीं किया जाता है जबकि ऋण पत्रधारी सामान्यतः सुरक्षित होते हैं क्योंकि ऋण पत्रों को बहुधा संपत्तियों की जमानत पर ही जारी किया जाता है भुगतान के आधार पर अंशधारी को बहुधा आंशिक भुगतान ही हो पाता है जबकि ऋण पत्र को समान्यता पूर्ण भुगतान किया जाता है धन की वापसी के आधार पर अंशधारियों को विनियोजित धन की वापसी उस समय की जाती है जब कंपनी का समापन होता है जबकि ऋण पत्र धारियों को कंपनी के समापन के पूर्व कभी भी विनियोजित धन को लौटाया जा सकता है मताधिकार के आधार पर अंशधारी को कंपनी की सामान्य सभा में मताधिकार प्राप्त होता है जबकि ऋण पत्र धारियों को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है निर्गमन पर प्रतिबंधों के आधार पर अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने में अधिनियमानुसार कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं जबकि ऋण पत्रों के निर्गमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर निर्गमन के आधार पर अंशों को रोकड़ अथवा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित किया जा सकता है जबकि ऋण पत्रों को अधिकतर रोकड़ के बदले ही निर्गमित किया जाता है आय की निश्चितता के आधार पर अंश पत्रधारियों को मिलने वाली लाभांश की राशि निश्चित नहीं होती यदि कंपनी को लाभ ना हो तो इन्हें लाभांश प्राप्त नहीं होगा लाभांश कंपनी के लाभ पर निर्भर करता है जबकि ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है ब्याज की राशि पर कंपनी के लाभ या हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आपने देखा अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है अब अगर हम बात करें अलग अलग दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के निर्गमन की तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन तीन प्रकार से होता है सबसे पहला रोकड़ के लिए यानी कि कंपनी को जब रोकड़ नगद यानी कि कैश की जरूरत पड़ती है तब वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है दूसरा निर्गमन जो होता है वो होता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए यानी हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदें और उसका भुगतान नगद न कर कर ऋण पत्र के द्वारा करें तो इस दशा को हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जिस तरह से हमने अंशों के आ, निर्गमन के संबंध में भी इस तरह की दशाओं के बारे में जाना था तीसरी जो इसका प्रकार तीसरा आता है वो है अनुषांगिक प्रतिभूति के रूप में कई बार कंपनी जब ऋण लेती है बाहर से बैंक से या किसी अन्य पक्षकार से तो इन्हीं ऋण पत्रों को गारंटी प्रतिभूति के रूप में उनके पास रख देती है तो वहाँ पर भी इनका निर्गमन इनका उपयोग प्रतिफल के रूप में किया जा सकता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली कंडीशन जबकि रोकड़ की प्राप्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है यानी कि कंपनी अपनी अतिरिक्त रोकड़ उसकी जो अंश पूंजी होती है उससे अतिरिक्त जो रोकड़ उसको प्राप्त करनी होती है उसके लिए वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो यह ऐसी दशा होती है जिसमें कि इन ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि या तो एक मुश्त प्राप्त कर ली जाती है या फिर टुकड़े टुकड़े में ठीक उसी तरह प्राप्ति की जाती है जैसे कि अंशों की प्राप्ति की जाती थी तो निर्गमन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग वैसा ही निर्गमन प्रोसेस जो होता है इशू का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है जैसे कि अंशों के निर्गमन का होता है तो आइए देखते हैं कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ प्राप्ति के लिए किया जाता है तो दोनों ही दशाओं में चाहे वो एक मुश्त प्राप्त हो या फिर अलग अलग टुकड़ों में प्राप्त किया जाए तो कौन कौन सी प्रविष्टियाँ किस किस प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन पर, पर किस तरह से पत्रों का निर्गमन किया जाता है उस पर एक नजर डालें ऋण पत्रों का निर्गमन दो आधार पर किया जाता है एक तो प्रतिफल की दृष्टि से और दूसरा भुगतान के शर्त की दृष्टि से प्रतिफल की दृष्टि से ऋण पत्रों का निर्गमन तीन तरह से किया जाता है पहला रोकड़ के लिए दूसरा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए और तीसरा अनुसांगिक प्रतिभूति के रूप में रोकड़ के लिए जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो तीन आधार पर होता है सब मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन इसी प्रकार रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जो निर्गमन किया जाता है वो भी सम मूल्य पर प्रीमियम पर और बट्टे पर होता है भुगतान के शर्त के दृष्टिकोण से ये निर्गमन दो प्रकार से हो सकता है सब मूल्य पर शोध्य और प्रीमियम पर शोध्य सब मूल्य पर जब शोध्य किया जाता है तो ये सब मूल्य पर निर्गमित हो सकता है प्रीमियम पर निर्गमित हो सकता है और बट्टे पर निर्गमित हो सकता है ठीक इसी तरह जब प्रीमियम पर शोध्य किया जाता है तो ये सब मूल्य पर निर्गमित हो सकता है और बट्टे पर निर्गमित हो सकता है रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार होंगी पहला यदि ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो डेवेंचर अकाउंट बींग डेवेंचर मनी रिसीव ऑन डेवेंचर दूसरा यदि ऋण पत्रों की राशि किस्तों में प्राप्त हो तो इसमें पहली एंट्री तब होगी जबकि आवेदन पत्र यानी की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हो यह एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन लिखेंगे बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन डेवेंचर अगली एंट्री होगी आवेदन पत्र की राशि ऋण पत्र खाते में यानी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने पर डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अकाउंट तीसरी एंट्री होगी जबकि आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है और आवेदन की राशि लौटा दी जाती है अगर ऐसी कोई दशा बनती है तो यहां पर एंट्री होगी डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बींग द रिटर्न ऑफ मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन चौथी एंट्री होगी इसमें आंशिक रूप से स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की अतिरिक्त राशि का ऋण पत्र आवंटन खाता यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने पर यह एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू तो अकाउंटर अलॉटमेंट अकाउंट और यहाँ नरेशन लिखेंगे बींग द दे ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऋण पत्रों के आवंटन राशि के प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बींग द रिजिट ऑफ डेबेंचर अलॉटमेंट सातवा प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर डेवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अकाउंट बिइंग डेवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बींग डेवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नवा अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर डेवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अकाउंट बिंग डेवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डेवेंचर दसवीं एंट्री होगी अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंशन फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमने देखा कि किस प्रकार रोकड़ प्राप्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है अब इनके निर्गमन के दशाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह अंशों का निर्गमन तीन प्रकार से किया जाता है उसी तरह ऋण पत्रों के निर्गमन में ये तीन दशाएं आती हैं जैसे कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है बिल्कुल उसी तरह ऋण पत्रों का निर्गमन भी सम मूल्य पर किया जाता है यानी कि एक उदाहरण के तौर पर सौ रुपये के ऋण पत्र को सौ रुपये में ही निर्गमित करना सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाता है और ऐसी दशा में यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं जबकि हम एप्लीकेशन पे संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त करते हैं ऋण पत्रों की तो हम यहां पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और यही डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट होती है जब हम उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है क्योंकि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो पूर्व निश्चित होती है पूर्व निर्धारित होती है तो डिबेंचर के साथ हमको वो परसेंटेज भी लिखना होगा जो कि प्रश्न में दिया गया दूसरी जो दशा बनती है वो है प्रीमियम पे निर्गमन की तो जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो किस तरह की स्थिति बनती है एक उदाहरण से हम इसको जाने सौ रुपये का डिबेंचर जब 120 130 यानी कुल मिलाकर सौ रुपये से अधिक मूल्य पर जब वो निर्गमित किया जाता है तो डिफरेंस की जो अमाउंट आती है वो प्रीमियम कहलाती है और प्रीमियम की दशा में जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो किस प्रकार उनकी प्रविष्टि की जाती है आइए देखते हैं यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो और किसी प्रकार के कोई जानकारी नहीं दी गई है कि प्रीमियम किसके साथ प्राप्त हुआ है तो उसकी एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं जैसे कि शेयर वाले चैप्टर में हमने किया था तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू तो डेबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम और प्राप्ति की एंट्री यहां पर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि प्रीमियम जुड़कर मिलता है इसलिए जब हम रिसीव की उसकी एंट्री करेंगे तो उसमें फर्स्ट हमारी जो एंट्री है उसकी जो टोटल अमाउंट अमाउंट आएगी प्रीमियम को जोड़ कर, को जोड़कर उस हम यहाँ पर लिखेंगे प्रशांत लिमिटेड सौ रुपए वाले ऋण पांच प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किए संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे थी आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सौ रुपए का एक अंश एक ऋण पत्र है और चार हजार ऐसे ही ऋण पत्र है हमारे पास प्रीमियम पर इसको निर्गमित किया गया है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी की पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो गई है तो एक साथ प्राप्त होने के लिए हमको केवल दो एंट्री करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन पर रिसीव की और दूसरा उसको ट्रांसफर की तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू तो सिक्स परसेंट डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और नरेशन हम लिखेंगे बैंक डबेंचर मनी रिसीव विद प्रीमियम फोर थाउजेंड शेयर है हमारे और पूरी की पूरी राशि क्योंकि एक साथ प्राप्त हुई है विथ प्रीमियम मिली है प्रीमियम है फाइव परसेंट तो हंड्रेड रुपीज का फाइव परसेंट हो जाएगा, 5 रुपीस, और, ये हो जाएगा 105, और उसके बाद फिर हम इसको फोर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड से यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर देंगे और उसके बाद जब हम इसके ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तब हम यहाँ पर प्रीमियम ऑन डेवेंचर को अलग से शो करेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्स परसेंट डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्स परसेंट डेबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन अकाउंट तो यहाँ पर हम डेबेंचरेशन अकाउंट डेबिट में फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड से एंट्री करेंगे और क्योंकि हंड्रेड रुपीज का एक शेयर है तो सिक्स अकाउंट में हंड्रेड इंटू फोर थाउजेंड फोर लाख ट्रांसफर होगा और प्रीमियम जो है वो फाइव रुपीज है फोर थाउजेंड शेयर पे तो ट्वेंटी थाउजेंड प्रीमियम ऑन डेवेंचर में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसमें हम नरेशन लिखेंगे बिंक डेबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर